बागली थाना के ग्राम कमालपुर में पुरुष परिधान में अल सुबह से छुपती छुपती एक महिला को देखा, तब ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर पुलिस को सूचना दी। महिला ने पुलिस के आते देख अपने मोबाइल की सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया। कमालपुर चौकी प्रभारी पूजा सोलंकी ने महिला से पूछताछ की तो वह अपना नाम कभी सुमन तो कभी शीतल तो कभी कविता निवासी बैतूल के रूप में नाम बदल बदल कर बतलाती रही। पुलिस ने महिला के झोले की तलाशी की तो उसमें चाकू भी निकला। बच्चा चोर महिला की खबर गांव में फैली, तभी गांव के सुनील राठौर ने महिला को अपनी पत्नी बताया, जो बीती रात से उसके घर से नकदी रुपए व उसका मोबाइल व कपड़े चांदी की रकम और सोना लेकर भाग गई थी। फरियादी ने पुलिस को बताया कि दो व्यक्ति गांव के व महिला के परिजनों ने झूठे रिश्तेदार बनकर आरोपी महिला, जिसने अपना नाम कविता बताया था, उससे मेरा विवाह हरदा के पास किसी मंदिर में वरमाला व सिंदूर से मांग भरवाकर 80,000 रुपए के बदले कर दिया और कविता को कुंवारी बताया था। विवाह का वीडियो जिसमें घूंघट में कविता है, विवाह के पूर्व जिसे उसका जीजा बता रही थी वह उसका पति निकला, जबकि महिला पूर्व से शादीशुदा होकर उसका बच्चा भी है। विवाह के बाद अल सुबह सुनील का पर्स, उसके कपड़े, मोबाइल व माँ की दी हुई चांदी की पाजेब चुराकर भाग गई। रास्ते में उसे कोई पहचाने नहीं, इसलिए उसने सुनील के कपड़े सूने मकान में बदले। सुबह सुबह अनजान महिला व्यवहार से ग्रामीणों को महिला पर बच्चा चुराने वाली महिला के रूप में शक हुआ। वह ठीक से बात भी नहीं कर रही थी और ग्रामीणों को धमका रही थी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। गांव में चर्चा होने पर सुबह से अपनी पत्नी कविता की तलाश कर रहे सुनील को मामले की जानकारी लगी। जब सुनील मौके पर पहुंचा तो कविता को पत्नी बताया तो कविता ने सुनील को पहचानने से इनकार कर दिया। जब सुनील ने स्थानीय दलाल व इसके रिश्तेदार को बुलाया तो पूरा मामला सामने आया कि दुल्हन लुटेरी है। पुलिस ने आरोपी महिला कविता व उसके पति व दो दलाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धोखाधड़ी, षड्यंत्र, चोरी सहित अन्य धाराओं में महिला सहित चार आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है, जहां न्यायालय से दोनों दलालों को जेल भेज दिया गया, जबकि आरोपी महिला व उसके पति को रिमांड पर लेकर लुटेरी दुल्हन से उसके गैंग के अन्य साथी व लोगों के साथ धोखाधड़ी के मालों की जांच कर रही है। लूंगी मेरी गांव के एड्रेस वगैरह, मेरे पति वगैरह के सब निकालूंगी करके, तुम ये लोग बिल्कुल मानते नहीं, बोले ऐसा वैसा। तो मैंने बोली भाई सब आप लोग के पास सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबको एक ही नजर से मत देखो। और ये सब इसलिए मेरा आपने मारने लगा, तो मैंने बोली अगर आप ज्यादा हरकत करोगे तो मैं मार लूंगी। और ये देखो बस एक ही जोड़ी कपड़ा थी, तो मैंने बोली साड़ी पहन के जाऊंगा तो ये मेरे पीछे लगेंगे। रात में भी और बंदूक पर तुम्हारे पास है नहीं सामान? नहीं नहीं, नहीं है इसके पास, और तलवार भी है और बच्चा भी पकड़ा था हमारे यहाँ रात के। नहीं मिली है, दो मिनट दो मिनट, बच्चा है, बच्चा भी छोड़ के भागी। हम भिलम और दलाल ने मुझसे 80,000 रुपए लिए और मैं इस लड़के से शादी करके आया था मंदिर में। शादी करके अपने घर लाया? शादी करके अपने घर लाया। कितने दिन रही आपके यहाँ? वो 8 दिन रही, उसके बाद वो चली गई। और उसके बाद वो 15 से 20 दिन नहीं आई, उनने अपन को गोते दिए। 8 दिन इसका व्यवहार कैसा रहा? 8 दिन तो अच्छा व्यवहार रहा। हाँ, और उसके बाद वो चले गए तो उसके माँ बाप बोले अभी तो हम नहीं पहुँचाएंगे उसको 2 महीने तक। फिर उसके बाद हम ढूंढने गए। हाँ, और ढूंढने गए तो उसने एड्रेस गलत दिया। अच्छा। और एड्रेस गलत देने के बाद हमने देखा, वहाँ छानबीन करी तो उस गाँव में ना ही वो लड़की थी ना ही उसका वो जीजा मिला। अच्छा। इस गांव में गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने ये बोला कि यहाँ पे ना ही इस नाम की कोई लड़की है ना ही इस नाम का कोई जीजा है। हाँ। इसके बाद हम वापस आ गए। हाँ। उसके बाद जो दलाल था हाँ। वो ये लड़की को वापस लेके आया। हाँ। तो लड़की 5 दिन रही। हाँ। उसके बाद घर से चोरी करके भाग गई। तुम्हारे घर से? जी। क्या क्या ले गई? वो मोबाइल। हाँ। अपनी घड़ी। हाँ। और पर्स में से पैसे निकाल के ले गई। अच्छा। और दादी ने पाइजब दी थी, पाइजब भी चोर के ले गई। अच्छा, आपको अभी उनने चौकी पे पहचाना है? पहचाना कि नहीं पहचाना? अपना पति मान रही कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मना कर दिया उसने, साफ मना कर दिया उस लड़की ने कि ये मेरा कोई पति वति नहीं है और ना ही मैं तो पहचानती ही नहीं, ये बोला डायरेक्ट। और उसके जीजा को लाए, उसने भी ये बोला मैं पहचानता ही नहीं ये आदमी को। तो वो उसका जीजा है कि उसका पति है? वो उसका पति निकला, पुराना पुराना। इसमें फरियादी सुनील राठौर है जो अंबे माता चौक कमलापुर का निवासी है। कल कमलापुर चौकी प्रभारी मैडम पूजा, कमलापुर कौन सा गाँव पूरा में, कोई बच्चा चोर को पकड़ रखा है।
मैडम वहाँ पर पहुँची तो ये महिला कविता नाम की और इसका तथा कथित पति जो पहले इसको इसने जीजा बताया था वो और राजा राम और बाबूलाल को ये फरियादी सुनील के भाई और दोस्तों ने सतवां तरफ से पकड़ के ला रहे थे। सुनील के साथ शादी के नाम पर ठगी की है। अब वहाँ माहौल काफ़ी गहमा गहमी का था, लोग आक्रोशित थे तो चौकी प्रभारी ने उनको हिकमत अमली से अपनी गाड़ी में बिठाया और तलाश की थी और तलाश करते हुए इनको वहाँ पर पकड़ के लाए थे। हमारी चौकी प्रभारी अभी तक इनके नाम भी सही ज्ञात नहीं है, इनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन। कितने लोगों का गिरोह है ये जो नकली दुल्हन का? ये अभी मतलब जो है कि इसका जो मुख्य सरगना है दिनेश, खंडवा का निवासी, वो फरार है और एक इसका भाई बन के आया था जिसने अपना नाम बड्डे बताया था, इसके को मतलब जो है सुराग मिले हैं। कुल कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई? अभी FIR दर्ज हुई है 6 लोगों के खिलाफ, 5 लोगों के खिलाफ महिला सहित। और जब ये लोग लड़की दिखाई थी तो इन्होंने उसको कुंवारी बताई थी और कल जब ये सतवांश तरफ से इसके फरियादी का भाई और दोस्त लेके आए थे तब इनके पास एक बच्ची 2 साल की भी साथ थी। ऐसा ये कई लोगों के साथ कर चुके और हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ी गैंग इसमें शामिल हो जिसे हम खोज करेंगे और ये बड़ा गैंग का पर्दाफाश हो सकेगा। धाराओं में मामला दर्ज किया इसमें? इसमें हमने ये छल करने, धोखाधड़ी और ठगी करने की 420 और षड्यंत्र सभी लोगों ने किया 120 भी, और जो महिला है पति की बगैर सहमति के ये सब नकदी जेवरात और कपड़े चुरा के ले गई है 380 में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आज 4 को गिरफ्तार करके न्यायालय प्रस्तुत किया था, महिला और उसके पति का पुलिस रिमांड लिया है और आगे की विवेचना करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश। नहीं ऐसा नहीं है वो, इसलिए कि आजकल लोगों को भ्रम बहुत हो गया है, लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं तो गांव के लोग उन्होंने क्या सोचा ये लोग जो फरियादी का भाई लोग थोड़ा सा सहमे हुए थे और फरियादी का भाई ये नहीं चाहता था कि किसी प्रकार का बवंडर हुआ था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।